आओ बेटे, शुरू करें अपनी आज की क्लास। हम लोग कर रहे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर हमारी जो क्लासेस हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर हमारी ये मेघन में 7th या फिर 8th क्लास है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरी तरह से इस सर, तरह से हमारे टेस्ट कॉन्सेप्ट की आंसर प्रैक्टिस हो होनी गया कंप्लीट? नहीं चल रहा है। ठीक है, अभी इसमें 2 क्लास और लगेंगी सर आज वो की तो क्लास के अब बाद में। AS6 चल रहा है ना, मैं AS10 की पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं बताता हूँ, आओ जरा। मैंने वेरी फर्स्ट डे बताया था कि AS10 अब 2 AS का मर्ज है। ठीक है ना, एक एप्रिसिएशन एक डेप्रिसिएशन। तो AS10 का वो वाला पार्ट चल रहा है जो पहले कभी AS6 में हुआ था। तुम्हारे हिसाब से जो तुम कह रहे हो ना AS6, हाँ AS6 नहीं बोलेंगे, बस हम क्या बोलेंगे AS10 ही बोलते रहेंगे उसको भी, है ना। AS6 मर्ज हो चुका था AS10 में। सर इस AS में सर प्रैक्टिस कम हुई है थोड़ी, मुझे ऐसा लग रहा है। सर नहीं, मुझे तो लगता नहीं, अभी तो प्रैक्टिस, बल्कि आगे भी जो होगी, अभी तभी तो बोल रहा हूँ, अभी आगे की 2 क्लास और लगेंगी। अभी जो पिछली क्लास ओके, में यस हमने किया, तुमने देखे हो एग्जाम्पल, पिछली 2 क्लास से तुम नहीं सर। थे शायद, है ना। सर कल मतलब लास्ट वाली में नहीं था मैं, 18 तारीख को बस अच्छा, एक ही क्लास मिस हुई है तुम्हारी या 2 क्लास में? मुझे तो 2 याद आ रहा है। एक सर अच्छा एक अच्छा चलो कोई नहीं, आओ देखो जरा पिछली क्लास में हमने क्या बात की थी। मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ पे सामने स्क्रीन पे। ठीक है, एक बार देखो, रिकॉल करते हैं। और रही बात उसकी, प्रैक्टिस तो अभी होनी है इसकी और भी। ठीक है ना, अभी हुई क्या है, हर टॉपिक को समझ रहे हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक टॉपिक है। उसके बाद में छोटा एग्जाम्पल, फिर नया टॉपिक, फिर छोटा एग्जाम्पल। अभी तो स्टडी मेट के क्वेश्चन हुए ही क्या है, स्टडी मेट के तो क्वेश्चन अभी होने बाकी है। चलिए, तभी तो मैंने बोला अभी अगली यहाँ पर 2 क्लास और लगनी है इस क्लास के बाद। आइए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 2 पार्ट है बेटे AS10 में। एक है कैपिटलाइजेशन, एक है डेप्रिसिएशन। ठीक है, कैपिटलाइजेशन में हमने जितनी बातें की थी वो थी उसकी वैल्यू का बढ़ना, और डेप्रिसिएशन में हम जो बात करें वो क्या है बेटा, प्रॉपर्टी की वैल्यू का घटना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू का घटना। तो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्या प्रोविजन है, हमारी एक नंबरिंग चल रही थी 6 7, अब ये 8 नंबरिंग है क्योंकि AS10 में हमारी एक सीरीज से नंबरिंग चलेगी, घटना बढ़ना सब, तो ये 8 नंबरिंग है। डेप्रिसिएशन के प्रोविजन मैंने आपसे बताया था क्या, जो ऐसी कंपनी ऐसे है वो है एंटिटी, एक तो है बेटे कंपनी और दूसरी है नॉन कंपनी। जो नॉन कंपनी है जिन पर इंड एस 16 लगेगा वो इंड एस फॉलो करेंगे, उनकी बातें इंड एस 16 में मिलेंगी। जो नॉन कंपनी है और उन पर इंड एस भी नहीं लगते उनके लिए बात करेगा AS10। अब बात करते हैं कंपनीज की, ऐसी कंपनियां जिन पर इंड एस लगेगा उसके लिए बात करेगा इंड एस 16। लेकिन ऐसी कंपनियां जिन पर इंड एस नहीं लगेगा उनके बारे में कौन बात करेगा, कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल 2। पहले ये गाइडेंस नोट हुआ करता था, लेकिन जब शेड्यूल 2 आ गया तो गाइडेंस नोट की बात खत्म हो गई, अब सारी बातें तो शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग मानी जाएंगी। आइए जी, फिर हमने इसमें क्या बात देखी थी जी, फिर हमने ये बात देखी थी जी कि जो डेप्रिसिएशन की मेथड है, AS कहता है WDV SLM या यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, और कोई नहीं। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन अमाउंट जो है, डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या है भाई, टेंजिबल एसेट्स की। AS ने बताया कि भाई डेप्रिसिएशन होता क्या है, डेप्रिसिएबल अमाउंट को सिस्टमेटिक बेसिस पर उसकी एस्टिमेटेड इफेक्टिव यूजफुल लाइफ के दौरान उसको अलोकेट करना ही हमारा डेप्रिसिएशन है। ठीक है, और इसको अलोकेट किया जाता है एक्सपेक्टेड, क्या एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ जो भी हमारी है। नेक्स्ट, अच्छा अगली बात यहाँ पे थी कि भाई जो मेथड है सिलेक्शन का, मेथड का जो सिलेक्शन है वो इस तरह से होना चाहिए कि उसका जो है ना कंजम्पशन का पैटर्न नजर आए, क्या फ्यूचर में जितना जितना इकोनॉमिक बेनिफिट जिस जिस साल वो असेट जनरेट करने की एक्सपेक्टेशन रखती है कि किस किस साल में कितना कितना इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट हो जाएगा। जैसे पहले साल ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा जी, दूसरे साल में और भी ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा जी, थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा जी उस असेट्स का, तीसरे साल में और भी ज्यादा जी, चौथे साल में थोड़ा सा असेट्स क्योंकि घिस चुकी होगी, पुरानी होगी, डाउन होनी शुरू होगी, फिर पांचवें साल में थोड़ा सा कम, मतलब कुछ तो वहां पे एक पैटर्न रहा होगा कि जिस पैटर्न में आप समझते हो कि भैया इस पैटर्न में इफेक्टिवली यूज होगी, या ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जिस जिस साल में जितने जितने जनरेट करने की आप एक्सपेक्टेशन लेते हो। कहते हैं मेथड का सिलेक्शन इस तरह का होना चाहिए कि वो उस पैटर्न में ही उसको अलोकेट कर, ठीक है, जिस पैटर्न में असेट्स हमारी कंज्यूम होगी। ध्यान रखना, एक कंफ्यूजन रहता है यहाँ पे बच्चों को, सर सर इसका मतलब हम सेल के रेशो में
अगर हमें क्वेश्चन ये बताए कि इस साल इतना सेल हो जाएगा, उस साल इतना सेल हो जाएगा, उस साल इतना साल सेल हो जाएगा, इस सेल के रेशो में हम बात करें, आंसर इज नो बेटे। सेल और प्रोडक्शन में फर्क है, हमारी जो असेट्स कंज्यूम होती है वो प्रोडक्शन पे कंज्यूम होती है ना कि सेल पर। प्रोडक्शन होने के बाद में कब कितना सेल होगा ये एक अलग चीज है, लेकिन हमारी जो असेट्स घिस रही है वो प्रोडक्शन में घिस रही है, और हमारा जो एस्टिमेटेड इकोनॉमिक बेनिफिट है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, वो कंजम्पशन के पीछे है कि असेट्स किस साल कितने की कंज्यूम होगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा उसका हम क्या एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं, किस किस साल में कितना कितना प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अब उस प्रोडक्शन वाले पार्ट में से कितनी किस साल कौन सेल करेगा ये अलग मैटर है, सेल होना अलग चीज होती है, प्रोडक्शन होना अलग चीज होती है। तो हमारी जो असेट्स का लोकेशन होना चाहिए, वो मेथड का जो सिलेक्शन होना चाहिए, वो कंजम्पशन के बेस पर होना चाहिए ना कि सेल के बेस पर, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इन रेस्पेक्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ असेट्स। आइए दूसरी बात कि भाई जो भी आप मेथड फॉलो करो उसको आप क्या करो, कंसिस्टेंटली फॉलो करो, कंसिस्टेंटली। ऐसा ना हो कि आज WDB, कल SLM, परसों यूनिट प्रोडक्शन वगैरह वगैरह, ना जी, लगातार फॉलो करो, ठीक है। लेकिन 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 क्या चेंज करना गुनाह है? कभी हम चेंज नहीं कर सकते, ऐसा किसने कहा? AS ने ये कहा है कि भाई फिर भी अगर तुम्हें लगे कि तुमने गलती से गलत पॉलिसी चूज कर ली है, तो आप एक काम करो, ये डेप्रिसिएशन का मेथड मतलब ये पॉलिसी का चेंज होता है, इसको हम बोलेंगे पॉलिसी का चेंज। और जब पॉलिसी का जब आप चेंज करोगे, आपको अलाउड है, लेकिन उन्हीं कारणों से जब पॉलिसी के लिए AS1 ने बताया था, क्योंकि ये भी एक पॉलिसी होती है, तो जो कारण AS1 में लिखे हुए थे वही सारे यहाँ पर अलाउ किए गए हैं। पहली बात, पहला पॉइंट क्या कहता है जी, ये हमारे लास्ट क्लास का रिकॉल चल रहा है कि भाई पहली बात तो मेथड का चेंज होना मतलब पॉलिसी का चेंज होना है, ठीक है। WDB से SLM पे शिफ्ट होना, SLM से WDB पे शिफ्ट होना, या प्रोडक्शन यूनिट पे शिफ्ट होना, ये क्या कह रहा था, मेथड का चेंज होना। एक होता है बेटे एस्टिमेट का चेंज होना, जैसे हमने देखा कि भाई इफेक्टिव यूजफुल लाइफ मुझे तो लग रहा है ज्यादा यूज हो जाएगी, तो वो मेथड का चेंज नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, एस्टिमेट का चेंज कहलाएगा। तो पहले तो इन चीज को समझो, ये जो चेंज है दो चीजों का चेंज है, एक है मेथड का और दूसरा है एस्टिमेट का चेंज। जो एस्टिमेट का चेंज है वो पॉलिसी का चेंज नहीं होता है। सर इससे फर्क क्या पड़ेगा ये बताओ, मैंने कहा पहले बताओ मेथड के चेंज में और एस्टिमेट के चेंज में फर्क समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है जी, क्योंकि एस्टिमेटेड क्या है, स्क्रैप वैल्यू होती है, एस्टिमेटेड इफेक्टिव यूजफुल लाइफ होती है। हमने सोचा कि 5 साल तक यूज होगी एसेट्स, हमने तीसरे साल में जाकर के देखा ये तो अगले 3 साल जाएगी, तो हमारा थर्ड ईयर के एंड में इसका एस्टिमेट बदल गया, और हम जो असेट्स राइट ऑफ कर रहे थे 5 साल के हिसाब से, अब हम उसको अगले 3 साल के हिसाब से लेकर के चलेंगे। लेकिन ये बात पक्की है, ये जो चेंज है ये मेथड चेंज नहीं कर रहा, मेथड तो अभी भी वही लग रहा होगा डेप्रिसिएशन का, हाँ, लेकिन एस्टिमेट चेंज हो गया, ठीक है। एक तो हो गया एस्टिमेट का चेंज, एस्टिमेट का चेंज। एक और हम डिस्कस करते हैं क्या, जैसे वैल्यू का चेंज, स्क्रैप वैल्यू का। 5वें साल के एंड में ये असेट्स बिक जाएगी थी 10,000 रुपए की, ऐसा हमारा जो अनुमान है वो क्या है, अनुमानित स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। 3 साल के एंड में जाकर के या 2 साल के एंड में जाकर के हमने देखा, अरे ये तो असेट बड़ी अच्छी वैल्यू की बढ़ती जा रही मार्केट में, यानी कि इसका जो कबाड़ भी होगा, स्क्रैप भी होगा, वो भी बड़े अच्छे दामों पे जाएगा। अब वो 10,000 का नहीं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 18,000 का चला जाएगा जब असेट्स की लाइफ एक्सपायर होगी, तो हमारा मतलब एक तरह से उसका अंदाजा बदल गया, एस्टिमेट बदल गया, किसका, रिकवरेबल अमाउंट का, स्क्रैप वैल्यू की, ठीक है। तो ये चेंज क्या कहलाएगा हमारा, मेथड का चेंज कहलाएगा क्या, नहीं, ये कहलाएगा हमारा एस्टिमेट का चेंज। तो पहले तो हमें चेंज का समझना चाहिए। सर इससे फर्क क्या पड़ेगा, बेटे एस्टिमेट के चेंज में आपको वो सब नहीं बताना पड़ेगा, वो सब चीज डिस्क्लोज नहीं करनी पड़ेगी जो बातें मेथड के चेंज में डिस्क्लोज करनी पड़ती है। देखो सामने स्क्रीन पे लिखे पॉइंट नंबर B, कब कब चेंज कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं फॉर कंप्लायंस ऑफ लॉ, फॉर AS कंप्लायंस, और फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, जो बात AS1 ने कही थी, और वही बात यहाँ पर, क्या ओल्ड पॉलिसी क्या थी, नई पॉलिसी क्या है, रीजन क्या है चेंज का, और उसका इंपैक्ट क्या होगा करंट और फ्यूचर ईयर्स पे, ये बातें तब नहीं डिस्क्लोज करनी होती जब एस्टिमेट का चेंज होता है, ये फर्क पड़ता है। हाँ, अगर मेथड का चेंज हुआ तो वो पॉलिसी का चेंज हो जाएगा। इस वजह से जब भी हम किसी मेथड को शिफ्ट कर रहे होंगे तो हमें ये 4 बातें शो करनी होगी, और सिर्फ इन इन कारणों से हम मेथड शिफ्ट कर सकते हैं, ये फर्क पड़ता है एस्टिमेट और मेथड के चेंज होने से। अगली बात, फिर बात आई थी हमारी क्या, मेथड जब भी चेंज होगा, पहली बात मेथड कौन चेंज करेगा, कि ये मैनेजमेंट का काम है, क्या ये CA इन प्रैक्टिस का काम है जो उसका ऑडिट कर रहा है, मतलब ही नहीं बैठता उसका, तो बस इतना काम है इन्होंने क्या मेथड फॉलो किया, वो बात
इन्होंने बता रखी है कि नहीं बता रखी है एक जगह, इस बात के बारे में बताना, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, वो सारी बातें एक जगह पर डिस्क्लोज करवाना। नेक्स्ट, अगर मेथड चेंज हुआ है, ठीक है छोड़िए, तो मेथड के चेंज का डिसीजन कौन लेगा जी? मैनेजमेंट लेगा। आइए जी, अब मेथड जो है वो चेंज कर सकते हैं कैसे, रेट्रोस्पेक्टिवली या प्रोस्पेक्टिवली? आंसर इज प्रोस्पेक्टिवली। पूछो प्रिंस, एक डाउट ले लेते हैं पहले। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आपने बोला था कि मेथड कौन चुनेगा, ये मैनेजमेंट डिसाइड करता है सर, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मैनेजमेंट तो अपना जैसे काम करेगा, मान लो कोई बिजनेस कर रहा है, हो सकता है क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनपढ़ भी होते हैं लेकिन बिजनेस उनका अच्छा खासा होता है, ठीक है सर, उनको इनकी नॉलेज नहीं होती, तो सर वो किसी सीए से ही पूछ के पूछ सकते हैं ना कि सर हम कौन सा मेथड लगाएं, ये सब वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही पूछ रहा था सर। हम सिर्फ उनको कंसल्ट कर सकते हैं लेकिन ये पार्ट हमारा नहीं है, क्योंकि या तो हम वहां का वहां की अकाउंटिंग करेंगे या फिर हम ऑडिट करेंगे, तो जो भी उनका डिसीजन होगा वो अपना उनका खुद का डिसीजन होगा, हमारे से कंसल्टेंसी मांगेंगे तो हम कंसल्टेंसी जरूर देंगे। और सिंपल सी बात कहता है एएस कि भाई आप उस रेस्पेक्ट में एक बात ध्यान रख लो, जिस जिस साल जितनी असेस कंज्यूम हो रही है इस रेशो में हिसाब से आप कैलकुलेट करो डेप्रिसिएशन, जिस रेशो में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए असेस कंज्यूम हो रही है, क्या ये मैनेजमेंट का अपना डिसीजन है। हाँ, मैनेजमेंट अगर हमारे से कंसल्टेंसी मांगेगा तो हम जरूर दे देंगे जी, ठीक है, लेकिन सीए की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सीए का कोई कमिटमेंट नहीं है, सीए जो ऑडिटर है उसका कोई उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि भाई वो इस बात को बताए, ठीक है। हाँ, चेक करेगा कि एएस के अकॉर्डिंग वो सब बातें हैं कि नहीं वहां पर पॉलिसी के रिस्पेक्ट। आइए अगली बात, एक सीए होता है जो वहां पर जॉब कर रहा होता है, वो सीए इन प्रैक्टिस थोड़ा ना होगा, वो तो एम्प्लॉय होगा, तो वो एक तरह से मैनेजमेंट का पार्ट माना जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर हमारी बात हुई थी यहाँ पे क्या चेंज कौन सा होगा, प्रोस्पेक्टिवली यानी कि सिर्फ आगे की तरफ देखेंगे हम, जो आगे की तरफ, ये नहीं कि हम WDV से SNM या SNM से WDV शिफ्ट कर रहे हैं, तो भाई पहले हुआ करता था, पहले पुराने वाले मेथड, पुराने वाले जो कैलकुलेशंस हैं पुराने वाले डेट से स्टार्टिंग डेट से उनको भी रिवाइज किया जाता था, वो नहीं है, वो हट चुकी है काफी पहले, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है सिर्फ आगे देखना, मतलब प्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट में आएगा, ये नहीं कि बैक डेट से दोबारा से खोदो कि होना क्या चाहिए था, कितना लग गया डेप्रिसिएशन और किस तरह से लगना चाहिए था, अगर शुरू से SNM होता या शुरू से WDV होता तो कितना लगता, फिर उसको इंपैक्ट में लाए, वो सब चीजें हट चुकी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अब अगली बात आई थी कि अगर कोई असेट्स ऐसी है जिसमें कॉम्पोनेंट बेस अकाउंटिंग करनी है, क्या मतलब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी और ये नई बात थी कि अगर कोई असेट्स ऐसी है क्या जिसमें काफी सारे कॉम्पोनेंट है और हर कंपोनेंट की अलग अलग लाइफ है, ठीक है, क्या कहा मैंने, अगर कोई असेट्स ऐसी है जिसमें अलग अलग कंपोनेंट है और हर कंपोनेंट की अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि उस असेट्स के अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाता है, नंबर एक बात, जैसे एग्जांपल हमने दिया कंप्यूटर, कंप्यूटर में मॉनिटर है, सीपीयू है, यूपीएस है, प्रिंटर है, ठीक है, तो हमारी इनकी क्या है अलग अलग लाइफ है, तो हम इनको अलग अलग रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगर इन सब की सेम लाइफ है तो हम इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, एक ही जगह ग्रुप कर सकते हैं और अलग अलग रिकॉर्ड ना करके एक ही असेट्स के नाम से इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगली बात, डेप्रिसिएशन इनकी अपनी इंडिविजुअल लाइफ के ऊपर होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मेन असेट्स के पीछे पीछे जो कंपोनेंट है वो भी राइट ऑफ कर दिया जाएगा जैसे पहले हुआ करता था। चलिए आगे बात करता हूं, एक क्या अगर हम देखें तो कौन से कंपोनेंट को हम मानेंगे कि उसकी मतलब सेपरेट रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, अगर उसकी खुद की इंडिपेंडेंट लाइफ है, मतलब उसकी लाइफ मेन असेट्स के जैसी नहीं है, उसकी अपनी यूटिलाइजेशन है। आइए और दूसरी बात, एक जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात रही है शुरू से, क्या वीडियो उन लोग को प्लीज, क्या बात रही है सर, वो है मैटरनिटी। मैटरनिटी को यहाँ पे बस एक वर्ड दिया है सिग्निफिकेंट, यानी कि अगर कोई भी कंपोनेंट सिग्निफिकेंट कॉस्ट का है, जैसे ये जो मैंने एक एग्जांपल दिया था पूरे कंप्यूटर में मॉनिटर की एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट होती है 2,500-3,000 रुपए का, 4,000-5,000 रुपए का आता है, तो अगर पूरा कंप्यूटर 24,000 का तैयार हो रहा है तो उसमें 5,000 के आसपास का मॉनिटर होता है, तो ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है 24,000 के रेस्पेक्ट में? बिल्कुल है। अगर मैं कहूंगा माउस 200-250 रुपए का आता है, 300 रुपए का, 500 रुपए का आता है, तो क्या 24,000 के रेस्पेक्ट में माउस एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है? नहीं, आंसर इज नो, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना होगा, हम उसी की सेपरेट अकाउंटिंग करेंगे
जो सिग्निफिकेंट होगा, जिसकी कॉस्ट सिग्निफिकेंट होगी इन रेस्पेक्ट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स। ठीक है, आइए जरा एक हमने फिर एग्जांपल लिया था प्लेन का, जहां पे मैंने आपसे बात की थी उसका फर्नीचर है, उसमें उसका इंटीरियर है, उसका प्रोपेलर है, बहुत सारी चीजें। फिर हमने बात की थी, एक और एग्जांपल ये था ट्रेन, ट्रेन के रेस्पेक्ट में भी हमने काफी सारी बात की थी, वहां पर होल्डर है, वहां पर फैन है, वहां पर सीट है, तो ये सब बातें हमारी हुई थी। कुल मिलाकर जो बात हमारी निकल के आई थी कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग में, हमने यहाँ पे लिखनी शुरू की। और मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट के केस में हमें जो यहाँ पे बात करनी है वो क्या है जी, हाँ जी, लिखना हमने शुरू किया था। तो ध्यान से मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। अगर कोई पार्ट है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का और उसकी कॉस्ट सिग्निफिकेंट है, तभी वो सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाएगा। यही सब बातें जो हमने एग्जांपल पढ़ी थी, हमने इसको नोटिंग करनी शुरू की थी और इसी को बुलाया था कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग। नेक्स्ट, फिर इसके बारे में कुछ बात हो मैंने आपसे लिखानी शुरू की थी कि पहली बात तो यही होगी सिग्निफिकेंट वाले, जैसे एयरक्राफ्ट में इंजन एक कंपोनेंट जो है सिग्निफिकेंट रहता है, ठीक है ना, और उसका डेप्रिसिएशन भी क्या होगा, उसको अपनी उसकी लाइफ के दौरान उसको राइट ऑफ किया जाएगा। ठीक है, फिर अगली बात हुई थी पॉइंट नंबर सेकंड की, भाई अगर मान लिया कोई भी दो तीन कंपोनेंट, मतलब कुछ भी कंपोनेंट इस तरह के हैं जो है तो छोटी छोटी वैल्यू के, लेकिन सबको अगर मिला दे तो वो सिग्निफिकेंट बन जाते हैं, तो ऐसे वाले उसको ग्रुप किया जा सकता है। यस, उनको ग्रुप करके सेपरेटली अकाउंटिंग की जा सकती है और उसका डेप्रिसिएशन भी सेपरेटली लगेगा। आइए जरा सी पार्ट, थर्ड पार्ट देखिए बेटा, थर्ड पॉइंट, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर, ये लाइन हटा देना बीच में सर, डेप्रिसिएशन चार्ज, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड डेप्रिसिएशन, हम इस तरह से लिखेंगे कंपोनेंट लेयर। ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पेज पे लिखूं मैं ऐसे लिखता हूं, इसको हटाता हूं, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं इसको जैसे लिखना है, एक मिनट। देखो जी, तो ये है हमारा पॉइंट नंबर थर्ड, आइए जी लिखिए। और इस पर बना लो बेटे खतरे का निशान, पहले मैं लिखाऊंगा फिर मैं इसके बारे में समझाऊंगा। बताओ डेप्रिसिएशन को कहां भेजते हैं, मुझे बताओ डेप्रिसिएशन को कहां ट्रांसफर किया जाता है, कौन बताएगा जी, डेप्रिसिएशन को कहां ट्रांसफर किया जाता है, बोलो बोलो क्या हुआ। अच्छा मैंने माइक बंद कर रखा है क्या, वेट अ मिनट, 1 2 3 बताओ भाई डेप्रिसिएशन को कहां भेजते हैं, पीएनएल में, वहीं पे भेजेंगे डेप्रिसिएशन of each accounting period is transferred to profit and loss account, comma, unless, जब तक कि ऐसा ना कहे, यानी कि ये जो मैं बात अब लिख रहा हूं ये पहले वाली बात के जस्ट अपोजिट है, यानी कि उसको हम फिर पीएनएल में ना भेज के कहीं और भेजने वाले हैं, अनलेस अनलेस इट इज इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट of another assets। अगर दो मिनट इसको रीड करके और एनालाइज करोगे
तो ये तुम्हें खुद भी समझ में आ सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग ना बस 30 सेकंड तक इसको पढ़ के एनालाइज करो ये कहना क्या चाहता है, फिर मैं बताऊंगा। इसमें हाफ तो समझ आ गया, हाफ नहीं। बताओ क्या समझ में आया, बताओ पहले वाली लाइन। डेप्रिसिएशन ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड इज ट्रांसफर्ड टू द पीएनएल अकाउंट अनलेस इट इज इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट। फिर सर ये ऑफ अनदर एसेट समझ नहीं आया कि ये कुल बताता हूं। तुमने कॉस्टिंग तो पढ़ी है, कॉस्टिंग में तुम लोग पढ़ ही रहे हो, कॉस्ट शीट में क्या करते हो, कॉस्ट पर यूनिट निकालते हो ना, टोटल कॉस्ट पर यूनिट। वहां पर फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते हो कि नहीं जोड़ते हो, जोड़ते हो ना, और वहां पर उस फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर डेप्रिसिएशन आता है कि नहीं आता है मशीन का? बिल्कुल आता है। क्यों आता है बताओ? ताकि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी सही कॉस्ट तुम्हारी पर यूनिट की निकल के आए। पहले मुझे इतनी बात बताओ, ये बात समझ में आ रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरे नेट में दिक्कत है? तुम लोगों में से किसी से बात नहीं हो पा रही है, इसका मतलब मेरे नेट में दिक्कत है। ओहो, डिस्कनेक्ट। हेलो, हेलो सर, कहाँ चले गए? हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने कोस्ट पर यूनिट निकाली है, तो उसमें तुमने देखा है वहां पर कोस्ट पर यूनिट निकालते हुए तुमने फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किए, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आया? डेप्रिसिएशन आता था कि नहीं आता है, बोलो? आता है ना फैक्ट्री ओवरहेड्स में, मशीनों का डेप्रिसिएशन तुमने कोस्ट पर यूनिट में ऐड किया, ठीक है? अब अगर मान लिया कोई मशीन तुम्हारी खर्च हो रही है किस चीज में, अगर मान लिया कोई मशीन तुम्हारी खर्च हो रही है किस चीज में, किसी दूसरी असेट्स के बनने में। भाई या तो तुम बिल्डिंग को बना बनाए खरीदो, ऑफिस के लिए बिल्डिंग बना रहे हो या बनी बनाई खरीद रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लो तुम अपनी बिल्डिंग खुद बना रहे हो और तुम्हारे यहाँ पे खुद का क्रेन का काम है, क्रेन की सर्विस देते हो तुम, और अपने ऑफिस के लिए बिल्डिंग बना रहे हो, तो अपनी क्रेन को यूज कर रहे हो अपनी बिल्डिंग बनाने में, तो वहां पर भले ही बाहर से पैसा खर्च ना हो रहा हो, तुम्हारी असेस खर्च हो रही है कि नहीं हो रही है, बताओ पक्का? तो जो असेस खर्च हो रही है तुम्हारी, तो उसका डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? उसको पेनल में भेजोगे या अगली असेट्स के कैपेबल ऑफ बीइंग यूज बनने तक का वो खर्चा है? बोलो, थोड़ा सा एडवांस जाना पड़ेगा। फाउंडेशन और इंटर लेवल में फर्क है, ये इंटर लेवल में भी नहीं था, ये इंडेएस ने बात सिखाई, ये पहले आईपीसी लेवल पे थी नहीं बात। सर एक बार बात फिर रिपीट कर दीजिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं इस बात को समझने के लिए। एग्जांपल, आप अपने ऑफिस के लिए एक बिल्डिंग बनवा रहे हो, ये बिल्डिंग बना रहे हो बेटे, आपको पता तो है बिल्डिंग में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, क्रेन की सर्विस की जरूरत पड़ती है, तो बहुत ऊंची बिल्डिंग होती है। अगर मान लिया आपने 7-8 फ्लोर की बिल्डिंग बनवाई अपने लिए, अपने ऑफिस के लिए, बिजनेस के यूज के लिए प्रीमिसेस बनाए, तो बेटे वहां पर क्रेन की सर्विस की यूज होगा कि नहीं होगा, बताओ? क्रेन का यूज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, है ना? वहां पर बहुत सारी मशीनें ऐसी होंगी जिनका आप यूज करोगे। मान लिया आपका काम ये है कि बिल्डिंग बनाने का काम है, चलो, और आपके यहां पर क्या रखा रहता है बेटे? वहां पर क्या है? वहां पर बेटे आपका रोड रोलर भी है, आपकी वहां पर बेटा कुछ समझ लो कि क्रेन की सर्विस भी है। क्या है वहां पर? क्रेन की सर्विस। रोड रोलर तो जब रोड बनाते जब होता है। अच्छा चलो भाई, तुम अगर बिल्डिंग बनाओगे, मान लिया तुम्हारा बहुत बड़ा काम है और वहां पे तुम्हें रोड भी बनानी है, और आपकी ये असेट्स आप दूसरे को यहाँ पे यूज करते हो, सर्विस पे देते हो, क्रेन भी देते हो, है ना, तुम्हारा मेटेरियल भी है, मतलब टोटली तुम्हारा काम बड़ा अच्छे लेवल का कंस्ट्रक्शन का है। आप अगर अपने लिए कोई बिल्डिंग बनाओगे
मान लिया अपनी फिक्स से बना रहे हो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होगी कि नहीं होगी बिल्डिंग पहले तो मुझे बताओ, होगी ना पक्का। दूसरी बात, अब ये जो इन वाली असेट्स का जो डेप्रिसिएशन है, ये भी तो अपने आप में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है कि नहीं है, बोलो। अच्छा नहीं आया भाई समय जी सर, है। तो इन पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा उसको कहां भेजोगे, पीएनएल में भेजोगे? बिल्कुल भेजोगे, पीएनएल में ही भेजना है, पीएनएल में भेजना है, लेकिन उस दौरान का नहीं, जब ये असेट आप किसी को किराए पे नहीं दे रहे हो, कहीं और कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज ना करके तुम ये असेट्स अपने वाली बिल्डिंग को बनाने में अगर यूज कर रहे हो, तो जिस दौरान आप ये असेट्स अपनी दूसरी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दूसरी असेट तैयार करने में यूज कर रहे हो, तो उस दौरान का जो डेप्रिसिएशन है दैट विल बी कैपिटलाइज। ये कैपिटलाइज होगा कहां तक का, जब तक ये वाली असेट्स रेडी टू यूज ना हो जाए, क्या कैपेबल ऑफ बीइंग यूज ना हो जाए, रेडी टू यूज मतलब कैपेबल ऑफ बीइंग यूज। एक होता है बेटे पुट टू यूज, कैपेबल, क्या कैपेबल ऑफ बीइंग यूज का मतलब होता है रेडी टू यूज, कैपेबल ऑफ बीइंग यूज का मतलब होता है रेडी टू यूज। बेटा पुट टू यूज का जमाना तो गया, अब तो यह है कि बस एक बार असेट्स अगर हमारी कैपेबल ऑफ बीइंग यूज है, ठीक है ना, तो वहां तक का कैपिटलाइज करना है। पहले मुझे इतनी बात बताओ, ये जो ये वाला डेप्रिसिएशन है जिस दौरान ये असेट्स यहां पर खर्च हुई, यूज हुई, वो कैपिटलाइज होगा। तो पढ़िए जरा, कहते हैं डेप्रिसिएशन को पीएनएल भेजेंगे जब तक कि, लेकिन तब नहीं, अनलेस, जब तक कि ऐसा ना हो तब तक हम उसको पीएनएल में भेजते रहेंगे, लेकिन अगर ऐसा है तो पीएनएल में नहीं भेजेंगे, जब तक का कि ये इंक्लूड होगा, जब ये इंक्लूड होगा कैरिंग अमाउंट ऑफ अनदर असेट। अब ये जो बिल्डिंग है, ठीक है ना, इसकी जो कैरिंग अमाउंट है उसमें ऐड होते चली जाएगी जी, वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। सर कैरिंग अमाउंट क्यों, हमने क्यों नहीं बोला कॉस्ट? बेटे मान लें बिल्डिंग 2 माले की थी, ऊपर के 6 माले अभी तैयार किए हैं, तो क्या क्या हुआ, उसकी पहले से कोई कैरिंग अमाउंट आ रही होगी? नहीं तो कोई बात नहीं, जो हम खरीदते हैं कॉस्ट पे तो हम रिकॉर्ड करते ही हैं, वो भी उसकी कैरिंग अमाउंट होती है। मुझे इतनी बात बताओ पहले, क्या ये बात तुम्हें समझ में आ गई है, जल्दी से बताओ जी। मतलब जब बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन होगा तो उसमें ही ये जो क्रेन है और ये सब है इनका भी डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड ही होगा? बिल्कुल जी बिल्कुल, बिल्डिंग का तो डेप्रिसिएशन तो तब होगा ना स्टार्ट, जब बिल्डिंग कैपेबल ऑफ बीइंग यूज हो जाएगी, रेडी टू यूज हो जाएगी। सर बीइंग वाज कैपेबल मतलब कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड हो गई बिल्डिंग, फिर उसके बाद में इसका डेप्रिसिएशन भी शामिल होगा, ये मैं कह रहा हूँ क्रेन का और ये सब का। बिल्कुल भाई, हम बाहर से मंगाते क्रेन, हम खर्चा करते, बोलो, वो हमारी क्रेन अपनी थी, हमने उसको यूज किया, क्या वो घिसी नहीं? वो किस लिए घिसी? क्या वो हमारे रेवेन्यू पर्पस के लिए घिसी, कैपिटलाइज पर्पस से घिसी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के पर्पस से कैपिटलाइज है ना? तो इसलिए उतना पार्ट हम क्या करेंगे, पीएनएल में ना भेज के हम उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। तो मतलब कॉस्ट में से माइनस करेंगे? नहीं, ऐड करेंगे बेटे। अगर ये अगर ये 10 करोड़ की असेट्स थी, सुनना मेरी बात को, और ये मान लिया 50 लाख रुपए का रोड रोलर था और 75 लाख की क्रेन थी, क्रेन ऐसी आती है 75, 80, 85 लाख की, तो ये अगर क्रेन है और ये हमारी इसमें खर्च हो रही है, इस पर मान लिया 7.5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन इसका आया बेटे, 5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन इसका आया, तो मैं ये कह रहा हूँ ये उस दौरान का डेप्रिसिएशन है, उस साल का डेप्रिसिएशन है जो साल पूरा उन्होंने यहाँ पे बिताया इस बिल्डिंग को बनवाने। तो ये बिल्डिंग जो है ये हमारी कितने की, 10 करोड़ की असेट्स है, ना जी ना, 10 करोड़ में 12.5 लाख का डेप्रिसिएशन भी एड होगा, क्लियर? तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन है, अनदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ऐड हुआ। क्यों ऐड हुआ? क्योंकि उसको कैपेबल ऑफ बीइंग यूज बनाने में खर्च हुआ, ठीक है ना? तो सर इसको ऐड कर देते हैं इसमें, तो सर फिर इसको बाद में कहां से रिकवर करते हैं डेप्रिसिएशन को, इसका क्या करते हैं बाद में? अब मैं बताता हूँ, देखो पहले इनका तो क्लियर है ना, इसमें तो कोई इशू नहीं है ना। हाँ सर वो तो ठीक है, अगर मतलब किसी दूसरे एसेट्स बनाने में यूज हो रहा है तो वो उसकी कॉस्ट में इंक्लूड कर देंगे। अब इसकी बात करते हैं, जब ये कैपेबल ऑफ बीइंग यूज हो जाएगी, मतलब रेडी टू यूज हो जाएगी, सारे खर्चे वर्चे के, चलो भाई आज से बिल्डिंग अवेलेबल फॉर यूज है,
कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड अवेलेबल फॉर यूज है। उसके बाद में अब देखो उस टाइम पर फिर क्या हुआ, जब बसेस रेडी हो जाएगी तब भी क्या क्रेन और रोड रोलर यहीं पे लगे रहेंगे, मतलब ही नहीं बैठता है ना। तो यानी कि जब ये इसकी कॉस्ट पूरी इकट्ठी हो जाएगी, कैपिटलाइज होके इसकी जो कॉस्ट आई, मान लिया इसके अलावा यहाँ पर 5 करोड़ रुपए का खर्चा और हुआ, तो टोटल बताओ कितने की कॉस्ट होगी, 15,12,50,000। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट हुई खर्च, ये हमारी कैपेबल ऑफ बीइंग यूज करने की कॉस्ट है, और इस पर फिर डेप्रिसिएशन लगना शुरू हुआ क्योंकि ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की असेट्स है, मतलब कॉस्ट है। कितना मुझे पहले बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? तो सर फिर अब मतलब हम 15,12,50,000 का जो अमाउंट आया है, अब इस पे जो हम भी हम रेट डेट डिसाइड करेंगे उसके हिसाब से इस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगाना चालू करेंगे हर साल? यस, बिल्डिंग पर। ओके सर, ठीक है, चलो मैं आगे। आइए सर। हाँ बेटा। सर बिल्डिंग बन के तैयार होगी, फिर उसके बाद जो अदर एसेट्स है उनका क्या होगा, उसकी जो डेप्रिसिएशन होगी वो डेप्रिसिएशन में जाएगी या तो पीएनएल में जाएगी? वो तो बेटे पीएनएल में चलती रहेगी बाबू, अगर वो किसी और बिल्डिंग में खर्च होगी तो फिर उस बिल्डिंग में ऐड होगी, मतलब किसी और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में अगर वो खर्च हो रही है तो वहां पर ऐड होगी। ओके ओके, क्लियरिटी पूरी है? आइए अब मैं अगला पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। बेटा ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट हमारे इंड एएस ने क्लियर किए हैं, इंड एएस से इंसर्ट हुए हैं, कहां पर? एएस 10 में है ही ये इंड एएस, तो आपके लिए बहुत सारी बातें यहाँ पे नहीं मिलने वाली है, उन बातों को आपको सीखना है, इसीलिए थोड़ा सा ये एएस लंबा है क्योंकि इसने उन टॉपिक को भी छेड़ा है जो टॉपिक हमारे यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर ही नहीं थे। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर थर्ड। आइए जरा पॉइंट नंबर फोर पे आते हैं। अब क्योंकि आपने अभी भी ताजा ताजा पढ़ा है तो लैंड एंड बिल्डिंग की बात मैं अभी तुरंत कर लेता हूं ताकि आपको ये बात पूरी तरह से यहीं पे क्लियर हो जाए। तो बेटा पॉइंट नंबर फोर, हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग की, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और उस पर डेप्रिसिएशन की। कंपोनेंट बेस्ड, शानू कोई ऑफिस में अगर कोई डाउट है ना तो बेटे मेरे से डिस्कस जरूर करना, ठीक है ना, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एएस का। ओके okay. हाँ, अब देखो ये पॉइंट वैसे बाद में लिखा था लेकिन अब क्योंकि हमने यहाँ पर लैंड और बिल्डिंग की बात की, बिल्डिंग की बात की, इसलिए इस पॉइंट को मैं जो है ना अभी के अभी यहीं पे ही बात कर रहा हूँ। देखो बेटे हेडिंग डालो यहाँ पे छोटा सा लैंड, अच्छा इसके बाहर डालो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन की बातें करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटे लैंड पे। देखो यहाँ पे लैंड पर क्या बताया भाई एएस 10 ने, कहते हैं इट इज नोट डेप्रिशिएटेड, कहते इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। बिकॉज क्यों नहीं लगता बताओ, कोई बताएगा मेरे को? सर उसकी वैल्यू कभी घटती नहीं है, बहुत प्यारा जवाब। इसके अलावा और कोई जवाब है सर? लैंड की कीमत बढ़ती है हमेशा, मैं तो कह रहा हूँ यही तो बात मैंने बोली सर। लेकिन सर ऐसा कुछ जरूरी तो है नहीं सर, जैसे अफगानिस्तान में सर हुआ है वहां पे देखो कितनी कम होगी लैंड की वैल्यू अचानक से। हम ना कभी भी बात सर, क्योंकि इस पे ये टैक्स में भी तो अप्लाई, टैक्स भी तो नहीं लगता ना खाली लैंड पे। क्या बात है, किसने कहा किसने कहा? हाउस प्रॉपर्टी में मैंने पढ़ा था कि खाली लैंड पे कभी टैक्स नहीं लगता बेटे, उसको बिल्डिंग नहीं मानते ऐसा कहा है आप सेक्शन। हाँ, जो 23 खाली लैंड जो होती है, हाँ जी 23 में, हाँ उसमें लिखा है बिल्डिंग और लैंड अपेरेंट देयर टू, हाँ जी हाँ, तो स्ट्रक्चर होना चाहिए, हाँ स्ट्रक्चर मस्ट बी देयर, इसीलिए तो कहते हैं कई बार कि ना अगर किसी को हाउस प्रॉपर्टी साबित करना है तो उस पर छोटा सा कमरा बना दो और फिर उसकी रजिस्ट्री करा लो, बोलो कि तुमने घर खरीदा है, ये मत बोलो कि तुमने प्लॉट खरीदा है, वरना प्लॉट करने पर 50% फाइनेंस होता है, हाउस खरीदने पे 80% फाइनेंस होता है, इसीलिए तो कराते हैं वो सब चीजें। खैर अब सुनिए मेरी बात, हमारे स्टडी मेट ने इसको बहुत अच्छे से बता भी दिया, कहते क्योंकि इसकी अनलिमिटेड लाइफ है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा वर्ड है, कहते इसकी अनलिमिटेड लाइफ है इसलिए इस पर डेप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, बिकॉज
सर फिर ये जो लैंड के वैल्यू इट हैज आता हूं ना इट हैज अनलिमिटेड, मुझे पहली बार एएस का ये बहुत अच्छा वर्ड लगा, हमारे स्टडी मैट में बहुत अच्छा वर्ड लिखा, इट हैज अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ। देखो रेट की बात अगर हम करें तो वो तो डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है जी, एक्चुअलिटी एक्चुअलिटी जो है। अब देखो यहाँ पे कोई पूछ नहीं रहा था मधुबन बापू धाम गाजियाबाद, भले ही गवर्नमेंट कॉलोनी हो, प्रॉपर्टी कितनी अच्छी हो, लेकिन वहां पे कोई पूछ नहीं रहा था। अब जब पता चला कि यहाँ पे से कौन सी वाली ट्रेन है, वो रैपिड रैपिड वाली ट्रेन जाने लग रही है, रैपिड ट्रेन, तो आज की डेट में जाके देखो वहां पर सबके तंबू गड़ गए, जितने प्रॉपर्टी डीलर, कई सारे प्रॉपर्टी डीलर वहां पर बैठ रहे हैं इस टाइम पे, कई सारे। और कमाल की बात सर्किल रेट ही बढ़ गई, क्यों बताओ क्यों? क्योंकि तो वहां पर मेरठ रोड पे, हाँ मेरठ रोड से मिलता हुआ इंडस्ट्रियल एरिया के पास में, ठीक है, तो क्यों बताओ? सर यहाँ पे भी तो ऐसा हुआ एकदम जेवर के आसपास जो एयरपोर्ट बन रहा है सर, वहाँ पे जेवर के आसपास, वेरी गुड, एयरपोर्ट हमारे घर के सामने ही रहते हैं जिनका, वही जेवर में बड़ा अच्छा मतलब एरिया है उनका, कह रहे बहुत रेट बढ़ गए। मैंने कहा लो भाई बैठे बिठाए मुआवजे मिल रहा है, पता नहीं क्या क्या सर। ऐसे मेरठ रोड पे भी हुआ, जब मेट्रो आई ना उससे पहले कुछ नहीं था वहां पे, बिल्कुल मेट्रो सही के कह बाद रहे, ही बस आफत हुई है। हाँ मैं वही का एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरठ रोड पे जहाँ पर ये मनन धाम मंदिर है उसके पास में, इधर से हम आएंगे गोविंदपुरम की तरफ तो बेटे बीच में पड़ता है ये मधुबन बापू धाम। आज देखो वहां पे जाके वहां पर लाइन लगी पड़ी है, और धीरे धीरे अगले दो साल में वहां पर पक्का रेट बहुत ऊंचे पहुंच जाएंगे, सर्किल रेट ही 24,000 से 35,000 हो गए, अगले 5 साल में डबल है वहां पैसा, जिसके पास पैसा हो वहां पे लगा लो, सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। खैर कम टू द पॉइंट, अब मुद्दे की बात है, देखो बेटा रेट का बढ़ना घटना, रेट का बढ़ना घटना किस बात पे डिपेंड करता है? वो डिमांड और सप्लाई पे होता है, उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। सारी बात यहाँ पे जो सबसे बड़ी जिसने रखी ना वो क्या रखी, अनलिमिटेड लाइफ, इसलिए नहीं हम लगा सकते। आइए जरा अब अगली बात करते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन है जी, इस बात का एक्सेप्शन है। क्या यहाँ पर जब ये ऐसा होगा तो हम डेप्रिशन लगाएंगे वहां पर लैंड पे, क्या है सर? जैसे जितने भी खदाने होती हैं, क्वेरीज एंड साइट्स फॉर लैंड फिलिंग, साइट्स यूज्ड फॉर लैंड फिलिंग, आपको अच्छा एग्जांपल देता हूं इसी बात को कंटिन्यू करते हुए, मैंने भी एग्जांपल दिया था मधुबन बापू धाम वाला। बेटे साथ साथ में एक काम और भी हुआ है, क्या गोविंदपुरम में एक आइडियल कॉलेज है, यहाँ पे गाजियाबाद में गोविंदपुरम में आइडियल कॉलेज, एक हाईवे है जो मेरठ से बना है, ठीक है ना, एक तो एलिवेटेड रोड तो अलग है और ये हाईवे है जो दिल्ली तक जोड़ता है उसको, तो वो हाईवे आइडियल कॉलेज के जस्ट पीछे की तरफ वहां पर आकर के रुकता है, फिर वहां से आगे भी जाता है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, देखिए ध्यान से, वो हाईवे कैसे बना, चारों तरफ खेत थे और बीच में वो मिट्टियां इकट्ठी कर करके तब वो हाईवे बना। पता वो मिट्टियां कहीं दूर से खरीद के लाए होंगे या बाहर के देश से लाए होंगे क्या? नहीं ना, वो यहीं से ही आसपास की लैंड से मिट्टियां खोद खोद के भरी होंगी पक्का। अब ऐसे केस में क्या होगा, ऐसी ऐसी साइट्स ऐसे खेत जो यूज किए गए हैं, वहां से मिट्टी हटाई गई है किस पर्पज से, ताकि हम दूसरी जगह पर फिल कर सके, तो ऐसी असेट्स क्या हुआ वो डेप्रिशिएट होगी। क्वेरीज जो खदान है, लिख लो बेटे खदान, जितनी भी खदाने हैं वहां पे क्या होता है बेटे, आपको पता है कि वहां से चीजें निकाल करके फिर क्या होगा, वहां पे भी क्या हो गया, वो अब उस लायक नहीं रहती है लैंड जिस लायक वो होती है, उनका यूज घट जाता है, ठीक है ना, तो इन पर तो डेप्रिशिएशन लगता है। आइए इसके बारे में कुछ क्या कहते हैं जी, तो भाई इनके बारे में एएस क्या कहता है, डेप्रिशिएशन ऑन लैंड। पहली बात तो डेप्रिशिएशन किस पे लगेगा, पहले तो ये बात समझ लो, डेप्रिशिएशन नॉर्मली नहीं लगता है लेकिन तब लगता है, इस बात के एक्सेप्शन है क्वेरीज और ऐसी साइट जो लैंड फिलिंग के पर्पज से यूज की गई है, यहाँ पर डेप्रिशिएशन लगेगा। आइए अब डेप्रिशिएशन जो लैंड पे लगेगा वो कैसे लगाया जाएगा, नंबर वन
लिखिए इन ए मैनर विच शोज द बेनिफिट्स टू बी अचीव्ड फ्रॉम इट। बेटे बिल्कुल वही बात जो पहले कही गई थी कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के रेशो को दर्शाए इस तरह से डेप्रिसिएशन लगाना है। दूसरी बात और क्या बताया जी एएस ने इसके बारे में कि भैया देखो अगर मान लिया लैंड और बिल्डिंग की कॉस्ट इकट्ठी है, क्या मतलब देखो यहां पे इफ कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ साइट डिसमेंटलमेंट रिमूवल एंड रिस्टोरेशन। अभी बताता हूं आप पहले एक बार लिख लो इसको। देन then portion of land in total cost, portion of land cost क्या कहा, अगर मान लिया कोई लैंड ऐसी है, मान लिया लैंड की कोस्ट में ऐसी कोस्ट भी शामिल है कि जहां पर साइट को दोबारा से ठीक किया जाएगा वैसे ही जैसे पहले थी, तो ऐसी कोस्ट में जो लैंड वाली कोस्ट है, क्योंकि बेटे दो तरह की कोस्ट होती है वहां पे शामिल, एक तो होती है परचेज की कोस्ट, दूसरी कौन सी होती है डिसमेंटलिंग रिमूवल रिस्टोरेशन की। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया पावर प्लांट लगाएंगे कहीं, अगर मान लिया जरा बताना वहां पे क्या होता है, बहुत सारा पानी स्टोर किया जाता है और वहां पर जो भी चीजें वहां पे जो भी वो काम करते हैं उसमें क्या होता है कि वो जमीन इस तरह की हो जाती है कि वो उसका मेन जो पर्पज था ना तो उपजाऊ रहती ना वहां पे घर बनाने लायक जगह रहती, तो एक टाइम के बाद में फिर वो पावर हाउस क्या करते हैं शिफ्ट कर दिया जाता है। पता है आप लोगों को इस बारे में पक्का? तो मतलब क्या है वो लैंड वहां पर एक्चुअली पहले ना एक चैप्टर हुआ करता था यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आप ही के सिलेबस में सीए इंटर के सेकंड ग्रुप में, उसका नाम आईपीसी सेकंड ग्रुप हुआ करता था, तब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बिजली वाली कंपनियों के खाते सिखाए जाते थे, तो वहां पर बिजली वाली कंपनियों की उसमें लैंड हुआ करती थी उस पर भी डेप्रिसिएशन लगाया जाता था। कमाल की बात, एक लैंड ऐसी थी जिस पर डेप्रिसिएशन लगा करता था। अब फिर ये चैप्टर सीए फाइनल में पहुंचा दिया गया, अब वो चैप्टर सिलेबस से बाहर ही है सीए के, अब वो चैप्टर सिर्फ सीएमए के सिलेबस में पढ़ा हुआ है। आइए जरा मैं काम की बात करता हूँ, ऐसी लैंड जहां पर कुछ इस तरह का काम किया गया कि वो उसका जो पर्पज है वो ओरिजिनल की तरह से बनने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना, वो नॉर्मली यूज नहीं हो पाएगी, तो ऐसी लैंड को डेप्रिशिएट किया जाता है। तो क्या कहा, टोटल कॉस्ट में से वो वाला पार्ट जो लैंड की कॉस्ट वाला पार्ट है इज डेप्रिशिएटेड। फिर से वही बात बार बार घूम के एक ही बात है, बेनिफिट टू बी यूज बेनिफिट टू बी अचीव के रेशो में उसको राइट ऑफ करना है, इज डेप्रिशिएटेड ओवर द पीरियड ऑफ बेनिफिट्स टू बी अचीव्ड फ्रॉम सच, उस दौरान उसको राइट ऑफ किया जाता है एज ए डेप्रिसिएशन। अब कमाल की बात क्या सर, ये तो आपने सर लैंड की बात बता दी, लैंड पे डेप्रिसिएशन पहली बार पढ़ा है, ठीक है, पहले भी पढ़ा करते थे हम आईपीसी के सेकंड ग्रुप में इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में, सिर्फ वहां जाके बच्चे सरप्राइज होते थे हैं लैंड पे डेप्रिसिएशन आ गया। हाँ दरअसल समझना पड़ेगा हमें, अगर मार्केट के प्राइस के अलावा किसी और वजह से यूज की वजह से अगर कोई एसेट घटती है तो भाई वहां तो डेप्रिसिएशन लगना है। जब पावर बनेगी पावर के पर्पज से वहां पानी इकट्ठा स्टोर होता है, बहुत सारी चीजें वहां पे ऐसी होती हैं जिस वजह से लैंड वहां पर नॉर्मली यूजेबल नहीं रहती, तो वो असेट्स क्या होता है हमारी डेप्रिशिएट करनी है। आइए जी नेक्स्ट, इसके बाद में अगली बात आती है किसकी, बिल्डिंग की। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग सर वो
खेती करने के लिए उपजाऊ करने लायक नहीं बचती है उसके बाद, इसी लायक नहीं बचती, वो बहुत लंबा टाइम होता है जब नेचुरल प्रोसेस में, तब तक तो एक आदमी की जीवन भी आगे चला जाएगा, समझ रहे हो? बेटे एएस बड़ा लंबा है और इसमें छोटी छोटी चीजें केस स्टडीज आपके सामने डिस्कस की जा रही हैं, उसके बाद में फिर स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस होंगे, आप इन चीज को ना हर पॉइंट को पहले समझते रहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है आपके यहाँ पर मतलब स्टडी मैट में, वो इतनी सारी चीजें लिए नहीं बैठे जितने हम लोग यहाँ पर साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट वाला कौन सा पॉइंट है जी, पॉइंट नंबर 5 है ना, नहीं पॉइंट नंबर 4 चल रहा है अभी, और हम लोग अभी सेम पॉइंट पर हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड डेप्रिसिएशन के, और यहाँ पर अब हमने एडिंग डाला, पहले लैंड डाला था, अब क्या है बिल्डिंग, हम लैंड और बिल्डिंग के अंदर ही हैं और अब हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन के बारे में, बिल्डिंग के बारे में क्या कहता है जी AS 10 हमारा। लो जी सबसे पहला पॉइंट बिल्डिंग is depreciable assets and it is depreciated and it is depreciated over the period building will be used, जब तक बिल्डिंग यूज होगी तब तक के लिए, है ना, एक्सपेक्टेड वाला। अब बात ये तो चलो छोटी सी बात है, नहीं सवाल अब ये है कि अगर मान लिया सोचो जरा, बिल्डिंग हवा में होती तो कोई दिक्कत ही नहीं, कभी ऐसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता। बिल्डिंग कब होगी बताओ? वहां पर एक लैंड होगी ना, पहले वहां पर लैंड होगी तभी तो बिल्डिंग होगी। ये देखो जी, ये क्या है जी, ये एक लैंड है, ये क्या है बेटा, एक लैंड है, और इसके ऊपर क्या खड़ी है बेटे, ये बिल्डिंग खड़ी हुई है, अब समझना मैं जो कह रहा हूं बेटे। अगर मैं तुम्हारे से कहूं क्या कि भाई लैंड के जो प्राइस हैं जिस जगह पर बनी हुई है वो प्राइस इंक्रीज हो गए हैं, लैंड के प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज हो गए हैं, क्या इस बात से डेप्रिसिएशन पर, बिल्डिंग के डेप्रिसिएशन पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, मैं ये पूछ रहा हूं जी। पॉइंट समझ में आ रहा है भाई? एक बिल्डिंग ली भाई, वहां पर एक मान ले 10 करोड़ की लैंड थी, उस पर 5 करोड़ का हमने खर्चा किया और बेटे वहां पर बिल्डिंग बना दी। अब ये जो 10 करोड़ की लैंड है इसकी वैल्यू बढ़ गई 2 करोड़ रुपए से, तो क्या इसका कोई इंपैक्ट बिल्डिंग के डेप्रिसिएशन पे आएगा? आंसर इज नो। देखिए, इफ लैंड प्राइस चेंजेस देन इट डजंट इंपैक्ट डेप्रिसिएशन of building,
क्या मैं आगे चलूं? यहां तक सब ओके है? आइए जरा अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। बताओ कितने पॉइंट हो गए हमारे, तीन हुए कि चार हुए, जल्दी बोलो। सर फोर। फोर हुए। आइए अब हम लिखेंगे पॉइंट नंबर फाइव। सर फाइव हो गए ना सर, फाइव तो ये बिल्डिंग था ना सर, लैंड और बिल्डिंग एक में ही थे। हाँ लैंड और बिल्डिंग बेटा एक में थे बाबू, शुरू करें। आइए जरा लिखिए सर। हाँ जी सर, बिल्डिंग में वो जो आपने बिल्डिंग सी बनाई है वो बनानी थी? नहीं नहीं वो तो आपकी मर्जी है, वो तो सर नहीं, वो बस वो जो लिखना था वो है। हाँ मेन पॉइंट वही है जी सर। आई मैं तो बना लेता हूँ सर, ऐसे ये सब मजा था। बना लेना चाहिए क्योंकि वो ना फिर आपको रिवीजन में हेल्पफुल होगा और एग्जाम में बनाए तो कोई नुकसान नहीं है। आइए जरा अब ये पॉइंट, एग्जाम में तो नहीं बनाएंगे बिल्डिंग ऐसे, नहीं कोई नुकसान नहीं है। आइए रिव्यू ऑफ लाइफ ऑफ यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स एंड स्क्रैप वैल्यू ऑफ असेट्स शुरू करें। आइए जरा अब देखो ये क्या कहते हैं कि रेजिड्यूल वैल्यू, रेजिड्यूल मतलब स्क्रैप वैल्यू, रेजिड्यूल बोलो स्क्रैप बोलो एक ही बात है, रेजिड्यूल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू एंड इफेक्टिव यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स, असेट्स should be reviewed, should be reviewed at end of each year, हर साल के एंड में इनको दोबारा से चेक करना चाहिए कि ये आगे के लिए कितने टाइम के लिए यूजेबल दिख रही है assets, कितने टाइम के लिए एक्सपेक्टेड टू बी यूज है, कितने स्क्रैप वैल्यूज की एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर है। पहला पॉइंट इसके अंदर हमें क्या करना है, हर साल के एंड में इसको रिव्यू करना है, दोबारा से चेक करना है कि भाई ये उतनी है जितनी हमने सोच रखी थी या चेंज हो गई इसकी एक्सपेक्टेशन हमारी इससे। ठीक है देखिए, इफ इफ आफ्टर रिव्यू वी फाइंड, अगर हमें पता चलता है, क्या पता चलता है, दैट देयर इज डिफरेंस, देयर इज डिफरेंस, बेटे किस चीज का डिफरेंस होगा बताओ, या तो अब असेट्स हमें ज्यादा लंबे यूज में दिखाई दे रही होगी, अरे ये तो अगले और तीन साल जाएगी, हम तो सोच रहे थे टोटली पांच साल चलेगी, तीसरे साल के एंड में देख रहे हैं अरे ये तो अगले और तीन साल जाएंगे, या अरे भाई ये तो अगले साल ही खत्म होने वाली है, हम तो पांच साल सोच रहे थे चौथे साल में निबट जाएगी, डिफरेंस है, बिल्कुल है। या स्क्रैप वैल्यू में हम तो सोच रहे थे यार ये तो पांचवें साल के एंड में 10,000 में बिकेगी, ये तो भाई इसकी तो डिफरेंस ही, इसका तो काफी डिफरेंस आ रहा है, ये तो भाई 15,000-18,000 में बिकने वाली असेट्स लग रही है मेरे, ये तो ठीक है जी। तो अगर हमें पता चला रिव्यू के बाद में कि कोई डिफरेंस है वहां पर, इफ आफ्टर रिव्यू वी फाइंड दैट देयर इज difference, then such difference, ये difference किस चीज का है बताओ, पहले तो मुझे बताओ ये difference change in method है, ये किस चीज का change है, ये estimate का change है कि method का change है? Change in estimate. Very good. Such difference is change in
एस्टिमेट कई बच्चे सोचते हैं क्या सर, एक बात बताओ फर्क क्या पड़ता है ये बताओ, अगर एस्टिमेट का चेंज है या मेथड का चेंज है, डील तो दोनों प्रोस्पेक्टिवली करने हैं, उसे क्यों आप वो कर रहे हो? डिस्क्लोज करना पड़ेगा ओल्ड पॉलिसी न्यू पॉलिसी रीजन ऑफ चेंजेस। बहुत बढ़िया कि अगर मेथड का चेंज निकला तो मैं वो चार बातें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी और उन तीन कारणों की वजह से चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये तो चेंज किसका है, एस्टिमेट का, ना तो हमें वो बातें डिस्क्लोज करनी और ना ही हमें क्या करना है कि भाई कोई निश्चित कारणों की वजह से चेंज कर सकते हैं। हाँ डिस्क्लोज तो हम जरूर करेंगे, लेकिन किस तरह से करेंगे वो बात यहाँ पे बता रहे। Then such difference is change in estimate and such is deal, such is dealt, deal की second form dealt, dealt in accounts as ध्यान से लिखना prior period items, ये एक बड़ा खतरनाक change है, बड़ा खतरनाक चीज है। एज पर एस फाइव। हाँ जी सर, ये जो हम कॉन्सेप्ट्स लिख रहे हैं ये हमारी क्वेश्चंस में काम आएंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल, एक्चुअली डेप्रिसिएशन का इकट्ठा क्वेश्चन उठेगा और जो कैपिटलाइजेशन थे उसमें थोड़ा सा अलग अलग था, मैंने प्रैक्टिस करा था, एक बार ये हम कर लें सारे के सारे, फिर हम एक तरह से क्वेश्चन उठाएंगे और वहां पे क्या होगा, हम पहले मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा, देखो ये इस वाले कॉन्सेप्ट से रिवाइज करो, आप क्वेश्चन करते हैं, ऐसे होगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट इतने सारे हैं, मतलब समझो पहले हमें मोतियों की माला पिरोनी है, फिर भगवान के नाम का जप करना है, ठीक है? आओ जी शुरू हो जाओ। अब ये AS5 क्या गया सर, ये क्या बोला है बेटे, सेकंड ग्रुप में आपको पढ़ना है, पहले ये फर्स्ट ग्रुप में था नए सिलेबस के, ये शिफ्ट कर दिया गया, बढ़िया किया शिफ्ट कर दिया गया, कहां पर, सेकंड ग्रुप में। एक्चुअली क्या है, छोटी सी बात बता रहा हूं, क्या सर भाई, अगर मान लिया पिछले पीरियड में हमसे कोई गलती हो जाए और उसका पता अगले साल पता चले, क्या कहा मैंने, अगर हमसे पिछले पीरियड में कोई गलती हो जाए और उसका बेटे अगले साल पता चले, तो उसको हम अगले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या ये सोच के नहीं दिखाएं कि तो पिछले साल का है, फिर तो किसी साल में भी नहीं आएगा, समझे नहीं समझे? अगर मान लिया, एक एग्जांपल लेता हूं, इस असेट से हट के एग्जांपल है, मान लिया पिछले साल में बैड डेट्स हो गई, ठीक है सर, और पिछले साल के बैड डेट्स इस बार रिकवर्ड हो गए, तो मैं अगर देखूं तो पिछले साल का मैंने लॉस मान लिया कि नहीं मान लिया, पिछले साल में बिल्कुल मान लिया जी, लेकिन वो रिकवरी इस साल हो गई, लेकिन वो रिकवरी किससे बिलोंग करती है, पिछले साल से, क्या मैं उसको इस साल के प्रॉफिट लॉस में जोड़ूंगा, आंसर इज यस, लेकिन उसको जोड़ने का एक तरीका है अलग, बड़े प्यार से क्या ये बताते हुए कि ये इस साल की इनकम नहीं है, ये पिछले साल का की इनकम है, ताकि अगर आप इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे कोई डिसीजन ले रहे हो तो आप जरा ध्यान दें कि इस साल की इनकम को बेस बनाइएगा, इसमें ये वाला आइटम तो पिछले साल का है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रायर पीरियड आइटम, क्या बोलते हैं, प्रायर पीरियड आइटम। तो AS5 उसी को सेपरेटली डिस्क्लोज करने की बात करता है, सर इसका इससे लिंक कहां है, अब सुनिए जरा, अगर हमने पिछले साल कोई गलत एस्टिमेट ले लिया था तो उसके बेस पर हमारा डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इस साल जब हम डेप्रिसिएशन को रिवाइज करेंगे, एस्टिमेट करेंगे, आगे के बेसिस पर लेंगे, तो हम उसमें वहां पर उस चीज को भी बता देंगे। लेकिन ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर कोई भी चेंज आता है लाइफ में, एस्टिमेटेड लाइफ में या फिर यूजफुल लाइफ के अलावा स्क्रैप वैल्यू में, तो उसकी वजह से जो डिफरेंस आएगा उसको आप प्रायर पीरियड आइटम की तरह से सेपरेटली दिखाएंगे। आइए पॉइंट नंबर फाइव के बाद में अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर सिक्स पे, बड़ा खतरनाक पॉइंट है जी पॉइंट नंबर सिक्स, और सबसे ज्यादा यूजफुल है जी, इसी में चेंज आया था, हालांकि मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं, क्या सर बताओ क्या बता चुके हो बेटा, ये है हमारा कि सर, कब आप से ये कह रहे थे कि अगर हमारा चेंज इन, ये क्या था सर, चेंज इन मतलब एस्टिमेट में अगर चेंज होगा तो हमें वो करना पड़ेगा, मतलब शो करना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा सर, क्या बताया आपने उसके बारे में,
उसके बारे में ये होगा कि उसमें जो ये बताता ना उसकी अमाउंट को सेपरेटली डिस्क्लोज करने के लिए बोलता है एएस के, अलग से दिखाओ कि भाई ये हमारा ऐसे कमेंसमेंट ऑफ पीरियड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। सर ये दोनों मर्ज कौन से अटेम्प्ट से हुए है जी? AS 6 और 10 ये तो अब से 3 साल पहले हो गए थे, ठीक है। आइए जरा कमेंसमेंट ऑफ पीरियड, अब क्या होता है ना बेटे ऊपर वाले जो चेंजेस हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे फाउंडेशन में थ्योरी है कैपिटलाइजेशन है ना, फाउंडेशन में डेप्रिसिएशन का चैप्टर है, वो चैप्टर AS 6 के ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं कायदे से देखा जाए। अच्छा लेकिन वहां पर हमें जब भी कोई चेंज लाना होगा, जैसे अब वहां पर चेंज आ चुका है, क्या चेंज आ चुका है, जो हमारे AS 6 में चेंज आया था, जो हमारे AS 10 में जब AS 6 मर्ज हुआ तो चेंज आया था कि जो भी चेंज इन मेथड होगा WDB to SNM, SNM to WDB उसको प्रोस्पेक्टिवली डील करना है, ये चेंज अब क्वेश्चंस में आ चुका है फाउंडेशन पे, ठीक है। लेकिन मैंने देखा है जिस साल हमारा AS रिवाइज हुआ था उस साल चेंज नहीं आया था फाउंडेशन में, ठीक है। और क्या रहा, क्वेश्चन फाउंडेशन में तब गलत कराए जा रहे थे, वो ओल्ड पैटर्न पे कराए जा रहे थे कि मेथड के चेंज को पॉलिसी के चेंज की तरह से मान के कराया जा रहा था। क्या होता है कि सिलेबस जैसे ऊपर अपडेट होता है हायर लेवल पे, तो निचले वाले लेवल पे उसको धीरे धीरे शिफ्ट किया जा रहा होता है। जैसे आप देखोगे इनकम टैक्स की बात ले लोगे, अगर फिर से वही बात टैक्स में बार बार घुस जाता हूँ, क्या हमारा जो CMA जो भी टैक्सेशन का आता है वो लेटेस्ट आता है ना, लेकिन जो BCOM के एग्जाम हमेशा एक साल पिछले वाले असेसमेंट से बिलोंग करते हैं हमेशा। तो वही काम वहां पर है कि धीरे धीरे चेंज फाउंडेशन में जाता है, फाउंडेशन के साथ में फिर धीरे धीरे चेंज 11th 12th में आएगा, जहां जाए चैप्टर मिलेंगे, ठीक है ना। BCOM के पेपर एक साल पिछले असेसमेंट ईयर में चलते हैं हमेशा। एनीवेज कमेंसमेंट ऑफ पीरियड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, भाई कौन सी डेट है कहां से, आइए जरा देखिए डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स बिगिंस व्हेन असेट्स बिकम्स अवेलेबल, ब्रैकेट में लिखिएगा रेडी फॉर यूज, जैसे ही वो अवेलेबल होती है फॉर यूज, ठीक है ना। तो ये क्या होता है बेटे, इसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड कैपेबल ऑफ बीइंग यूज, ठीक है ना, यहीं से बिगिन हो जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारा, यहां पे मैं लिख के कुछ कटवाता हूं, ठीक है ना, यहां पे लिख लेना रेडी टू यूज की डेट देखनी है, यस पुट टू यूज लिख के काट लो, ये पुराना था, कभी ऐसा ना हो कि कहीं पे आप देखो और फिर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज कर बैठो, तो इसलिए यहीं पे सारी बातें नोट कर लो। हमें कहां से स्टार्ट करना है, जब वो असेट्स रेडी फॉर यूज हो जाए, पुट टू यूज मान लिया नहीं हुई, किसी ने 2 साल तक असेट्स खरीदने के बाद में रखी असेट्स बेचारी रेडी टू यूज तो है लेकिन उसने पुट टू यूज नहीं किया, स्टार्ट ही नहीं किया उसे यूज करना, तो ऐसे में क्या होगा, फिर तो असेट्स पे कभी डेप्रिसिएशन लगेगा ही नहीं ना, फिर तो कॉन्सेप्ट बेकार हो जाएगा, क्योंकि टाइम के साथ साथ में भी क्या होता है असेट्स क्या होती है बेटा हमारी डेप्रिशिएट होती है। आइए जी अब अगली बात, भाई इसको डेप्रिसिएशन करना कब बंद करेंगे, लिखिए यहां पर पॉइंट नंबर 7,
डेप्रिसिएशन सीज टू बी चार्ज सीजेस टू बी चार्ज. यहां से हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना. डेप्रिसिएशन कब चार्ज करना बंद करेंगे यहां से हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. और नेक्स्ट क्लास में हमारा एक छोटा सा पॉइंट रिवैल्यूएशन का भी चलेगा, ध्यान रखना. जो असेट्स रिवैल्यू हुई है उस पर डेप्रिसिएशन लगाने के थोड़ा सा अलग नियम है, ठीक है. हमने जितनी बातें अभी तक पढ़ी, मैं चाहता हूं अगली क्लास में आप वो सारी सारी रिवाइज करके आए. मतलब मुझे क्लास में वो चीजें रिवाइज ना करानी पड़े, आप पहले उसको पूरा का पूरा रिवाइज करके आओ, क्योंकि अगली क्लास में हमें पहले जो बचा हुआ पार्ट है डेप्रिसिएशन का वो निपटा करके रिवैल्यूएशन वाले पार्ट को स्पेसिफिकली आपको रिवाइज करके आना है. रिवैल्यूएशन वाले पार्ट पर डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा जब असेट्स रिवैल्यू होती है, ठीक है. कभी वैल्यू डाउन होती है, कभी अप होती है, उसके क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है. तो अगली क्लास में हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे शुरू, और उससे जो अगली क्लास होगी मतलब अगली दो क्लासेस में हमारी संबंध में प्रैक्टिस चलनी है. लेकिन किसके ऊपर बेस्ड है सारी सारी प्रैक्टिस? अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, सबसे पहले हमें ये जो डेप्रिसिएशन वाला पार्ट है बचा हुआ ये पूरा करना है, फिर रिवैल्यूएशन वाले बेसिस पर हमें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है जी. चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में.